हेलो गाइज, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सो गाइज, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना, और इसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइज, प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल को लेटेस्ट शेयर मार्केट वीडियो। अब मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जो भी आपकी क्वेरी है वो डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं। सो गाइज, इस वीडियो में बात करेंगे अदानी ग्रुप की, और ऑफकोर्स जो कि एक नया IPO लेके आ रहा है उसकी भी बात करेंगे। तो गाइज, अदानी की जितनी भी एंटिटी है आप खुद देख सकते हैं कहाँ पर इनका प्राइस हुआ करता था और कहाँ पर ऑलरेडी जा चुका है, जो कि टोटली पीक पर है। चाहे आप अदानी पोर्ट की बात करें जो कि 298 रुपये इसका पाउंड वीक लो है, और 901 रुपये तक जो कि जा चुका है। अगर बात करें आप एंटरप्राइज की जो कि 141 रुपये इसका पाउंड वीक लो है और 1717 रुपये ऑलरेडी इसका जा चुका है। इट मीन्स कि काफ़ी जबरदस्त कंडीशन में अदानी ग्रुप की जितनी भी एंटिटी का नाम ले। अदानी ग्रीन की बात करें तो 1390 रुपये तक जा चुका है, 305 रुपये इसका जो कि पाउंड वीक लो है। अगर इसके मैक्सिमम की बात करें, क्योंकि मैंने खुद ने भी इसमें ट्राई किया हुआ है, इवन जब इसका प्राइस जो कि आप यकीन नहीं करेंगे, इसका प्राइस करीब करीब 40 रुपये के आसपास हुआ करता था, तब मेरे पास आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते 1000 से भी ज़्यादा शेयर इसके पड़े हुए थे। और मैंने, आप यकीन नहीं करेंगे, कुछ इसमें कुछ करीब करीब 30 से 40 रुपये पर शेयर मैंने प्रॉफिट लेके इसको निकाल दिया था। एंड उसके बाद दोबारा से भी ट्राई किया, जब इसका प्राइस 300 रुपये के आसपास हुआ करता था, तब मैंने दोबारा से भी ट्राई किया। इवन अगर उसमें भी मैंने 100 से 150 रुपये के आसपास इसमें प्रॉफिट लेके दोबारा से भी निकाल दिया था। अगर बात करें ट्रांसमिशन की, तो ऑफकोर्स जो कि ट्रांसमिशन जो कि 188 रुपये का हुआ करता था और 1644 रुपये ऑलरेडी एक जाके आ चुका है। अगर बात करें गैस की तो 1679 रुपये जो कि जा चुका है, और 341 रुपये इसका लो हुआ करता था, जो कि करीब करीब जो कि 90 रुपये के आसपास इसका शेयर प्राइस हुआ करता था गाइज, उस टाइम की बात, जो कि ज़्यादा बड़ी लंबी बात नहीं है, करीब करीब 2 साल पहले की बात है। एंड अगर बात करें अदानी पावर की, जो कि 34 रुपये, जो कि मैंने हर बार हर किसी को रिकमेंड किया था कि आप इसको लेके जो कि इकट्ठा कर सकते हैं, अदानी की सिर्फ और सिर्फ ये एंटिटी नीचे बची हुई थी, जो कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपके पास इसको इकट्ठा करने की। और अभी एट प्रेजेंट जो कि अगर इस प्राइस से कंपैरिजन करें तो करीब करीब 5 गुना इसमें जंप आ चुका है। सो गाइस, काफ़ी ज़बरदस्त कंडीशन है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, थोड़ा थोड़ा करके इसको इकट्ठा कर सकते हैं। तो गाइस, एक न्यूज़ और आई है जो कि अदानी ग्रुप से, जो कि काफ़ी बड़ी न्यूज़ है, जो कि अदानी ग्रुप जो कि IPO लेके आ रहा है, अदानी विल्मर जो कि फॉर्च्यून जो कि एडेबल ऑयल जिसका नाम आपने सुना होगा, हर घर में यूज होता है, उसका IPO लेके आ रहा है। और नियरली जो IPO होगा वो $1 बिलियन होगा, और IPO 2021 में ही लॉन्च होना है। सो काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ ये जो कि आई है, जो कि अदानी विल्मर को लेके, और ये काफ़ी ज़बरदस्त IPO होने वाला है, और मैक्सिमम लोग इसमें जो कि पार्टिसिपेट करेंगे, किसी को मिलेगा तो ये एक उसके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। सो अदानी विल्मर विच एम्स टू बी लार्जेस्ट फूड कंपनी इन इंडिया बाय 2027। सो गाइज, ये काफ़ी ज़बरदस्त न्यूज़ है, जो कि IPO का जो प्राइस रेंज होगा, जो कि प्लानिंग कितना उसमें फंड रेज करेंगे, 7000 करोड़ से 7500 करोड़, जो कि काफ़ी बड़ा IPO ये अदानी विल्मर लेके आ रहा है। सो गाइज, अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बात करें जो कि अदानी ग्रुप प्लस जो विल्मर है वो सिंगापुर की कंपनी है, इसका जॉइंट वेंचर है जो कि अदानी विल्मर के नाम से जो कि एक IPO आ रहा है। सो गाइज, ये न्यूज है, ये हर जगह फ्लैश हो रही है, ये आप देख सकते हैं, और अभी इसकी डेट फिक्स नहीं हुई है कि कब इसका IPO आएगा और कब इसका प्राइस रेंज क्या होगा और इसमें जो फेस वैल्यू क्या होगी, वो सारी चीज़ें अभी डिसाइड होने बाकी हैं। बट जो अदानी विल्मर ने ये चीज़ें कंफर्म कर दी हैं कि 2021 में ही ये IPO आना है, और काफ़ी बड़ा IPO होने वाला है ये, 7000 से 7500 करोड़ का, जो कि फंड, इतना बड़ा फंड यहाँ पर रेज होगा, जो कि ऑफकोर्स जो कि काफ़ी मददगार साबित होगा। जो अगर देखें अदानी विल्मर की इस साल IPO से करीब
$1 अरब जुटाने की योजना है। ग्रुप की 6 लिस्टेड कंपनियों में से 5 का मार्केट कैप जो कि 1,00,000 करोड़ रुपए से अधिक है। सो गाइस 5 कंपनियां छोड़ के, अगर अदानी पावर को छोड़ के, और सारी कंपनियों का जो कि मार्केट कैप है वो 1,00,000 करोड़ रुपए से भी अधिक है। सो अदानी ग्रुप एंड सिंगापुर की कंपनी विल्मर का ज्वाइंट वेंचर है। सो काफ़ी ज़बरदस्त IPO होने वाला है अगर आपको मौका मिले। ऑफकोर्स यू नीड टू ट्राई दैट, क्योंकि इसमें आप मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ टेक केयर, प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, टेक केयर।